देखते हैं और सुनते गानों को शाहरुख का सलाम पहुंचे। और आज हम फोटोशॉप की 12th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जो कि काफी अर्से से अधूरी रह चुकी है। तो जनाब आइए हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास अपनी। और आप देख सकते हैं कि अगर आपने लास्ट क्लास देखी हो तो उसमें हमने आपको ब्रश मिक्सर ब्रश टूल बताया था, और आज हम आपको बताएंगे क्लोन स्टैम्प टूल। मैं आपको ना बहुत शॉर्ट क्लास बताता हूँ, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक दो घंटे तीन घंटे की वीडियो बना के आपको फेडअप नहीं करना चाह रहा। अगर एक घंटे या दो घंटे की मैं एक साथ वीडियो बना लूँ ना तो आप लोग पूरा देखोगे भी नहीं। ये शॉर्ट क्लासेस बनाने का मकसद ये कि आपने एक मिनट की वीडियो देखी और आपको वो चीज़ आ जाए, एक मिनट के अंदर ही आ जानी चाहिए वो, एक मिनट दो मिनट मैक्सिमम, तीन मारा तो तीन मिनट या पाँच मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। पाँच मिनट के बाद बंदा बोर होने लगता है, मुझे ये लगता है, मेरी ये पर्सनल फील है। ठीक है जी, तो मैं चाहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता आप सब सीख लें। तो स्टार्ट करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल से। फिर स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताता चलूँ कि मैं मैजिशियन भी हूँ, जैसे कि मैं अपनी पुरानी क्लासेस में बोलता हुआ आ रहा हूँ। तो चाहें तो आप मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, शाहरुख मैजिशियन उस चैनल का नाम है और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो क्लोन स्टैम्प टूल आज की क्लास के अंदर, क्लोन स्टैम्प टूल क्या होता है जनाब? जैसे कि नाम से जाहिर है कि क्लोनिंग करना, मैं चाह रहा हूँ ये बंदा यहाँ पर एक दफ़ा एक और आ जाए कॉपी होके। तो मैंने क्लोन स्टैम्प टूल लिया, ऊपर आया, सिंपल इसका साइज बड़ा करा, ठीक है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर आने के बाद जब ऑल्ट की दबाता हूँ, Alt की, तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट सा बना हुआ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इस बंदे को मैंने टारगेट करा, ऑल्ट दबा के और इस पर क्लिक करा, अब ये बंदा टारगेट हो गया। और आप देख सकते हैं मेरे पास ये बंदा इस सर्कल के अंदर बना रहा है। मैंने सिंपल क्या करना है, क्लिक दबा के रखना है, क्लिक छोड़ना नहीं है, और जहाँ जहाँ मैं फिरता जाऊँगा ये बंदा वहाँ बनता जाएगा। और अगर आप अपने सीधे हाथ पे देखें प्लस सा निशान मूव हो रहा है उस जगह पे, कि मतलब वो प्लस निशान इसको कॉपी कर रहा है। जैसे कि इसकी टांग की तरफ आया तो ये कॉपी होना स्टार्ट हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आया, उसके बाद मैंने इसको इधर कॉपी करा, ठीक है, उसके बाद मैं ऊपर आके लेफ्ट साइड पे कॉपी करा और उसको पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है जनाब, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी डुप्लीकेट बना दी। एक तो उसका तरीका ये है कि एक से दो कॉपियाँ बनाना, दो से तीन कॉपियाँ बनाना, और कंट्रोल जेड करके मैं इसको अंडू करता हूँ। और अगर आपको इस बंदे को ही यहाँ से मिटाना हो तो आपने खाली जगह ली, ऑल्टर दबा के लेफ्ट क्लिक करा, और ये हिस्सा यहाँ पर आपने क्लिक दबा के रखना और फेरना स्टार्ट करा। तो आप देख सकते हैं बंदा यहाँ पर मिट रहा है। अच्छा, आगे इधर यहाँ पे क्यों कॉपी हो गया, क्योंकि आपका प्लस सीधा पे ज़्यादा आ गया था, तो उस प्लस ने इसको भी कॉपी कर लिया। तो एक काम करते हैं, अंडू करते हैं, थोड़ा सा उसका साइज छोटा करते हैं, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट दबाएंगे तो उसका साइज छोटा होगा। ऑल्ट क्लिक करके आपने एक दफ़ा इसको यहाँ पे फेरा, ठीक है। अच्छा, मैंने ओपेसिटी कम करी तो ओपेसिटी बढ़ा दें 100, फिर ऑल्ट क्लिक दबाया यहाँ फेरा, फिर ऑल्ट क्लिक दबाया यहाँ फेरा। मतलब हर बार आपने ऑल्ट क्लिक करके एक एरिया इतना ऐसा लेना है स्पेसिफिक कि बुरा ना लगे। अगर मैं फर्ज करें ये ऑल्ट क्लिक करके यहाँ मारूंगा तो ये बुरा लगेगा, ठीक है ना, यहाँ देखिए मैंने मारा तो बुरा लग रहा है। तो वो एरिया जो उससे मिलता जुलता हो तो यहाँ पे बुरा ना लगे और पूरा मिक्स हो जाए, तो वो एरिया आपने ऑल्ट क्लिक करके सिलेक्ट करा और यहाँ पे फेरा, तो देखिए मिक्स होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ से ले लें आप सीधा से, ठीक है, इस ऊपर के एरिया को नहीं मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, थोड़ा यहाँ से, ठीक है जी। तो ये है आपका क्लोन स्टैम्प टूल, जैसे कि आपने देखा कि बिल्कुल ही गायब हो गया, पता नहीं चला क्या है क्या नहीं। तो ये है क्लोन स्टैम्प टूल का काम। और इसके अलावा मैं अगर से मैंने पहले भी क्लास बनाई है तो उसके अंदर मैंने क्लोन स्टैम्प टूल का ये काम भी बताया कि फेस पे जो दाग धब्बे आपके होते हैं तो उनको भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आई होप आपको क्लास पसंद आएगी, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।